भाइयों बहनों, मैं फिर आज रोजलिन दास आप सबके सामने ईश्वर के कुछ वचनों को लेकर ईश्वर की महिमा के लिए और आप सबके प्रोत्साहन के लिए। आज जो मैंने विषय लिया है भाइयों बहनों, वह है पाप से दूर, जिसके लिए मैंने कुछ वचन लिए हैं। वो वचन है प्रवक्ता ग्रंथ उसका अध्याय 5 और पंक्ति क्रमांक 4-5। यह मत कहो मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ा, क्योंकि प्रभु बड़ा सहनशील है, क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ। फिर मैंने दूसरा वचन लिया है भाइयों बहनों, प्रवक्ता ग्रंथ से ही उसका अध्याय 5 और पद संख्या 6-7। यह मत कहो उसकी दया असीम है, वह मेरे असंख्य पाप क्षमा करेगा, क्योंकि दया के अतिरिक्त उसमें क्रोध भी है और उसका कोप पापियों पर भड़क उठता है। इसके बाद मैंने भाइयों बहनों वचन लिया है प्रवक्ता ग्रंथ से ही उसका अध्याय 5 और पद संख्या 8-9। प्रभु के पास शीघ्र ही लौट आओ, दिन पर दिन उसमें विलंब मत करो, क्योंकि प्रभु का क्रोध अचानक भड़क उठेगा, दंड के दिन तुम्हारा विनाश होगा। उसके बाद मैंने प्रवक्ता ग्रंथ से ही लिया है भाई बहनों, अध्याय 5 और पंक्ति क्रमांक 10। पाप की कमाई पर भरोसा मत रखो, विपत्ति के दिन इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। उसके बाद प्रवक्ता ग्रंथ से ही मैंने लिया है प्रवक्ता का 21 उसका 1-3। पुत्र क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो और अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ, यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा। उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं, वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं। इसके बाद मैंने भाइयों मैंने वचन लिया है प्रवक्ता ग्रंथ से ही प्रवक्ता का 21 उसका 4। प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार जैसा है, उसके घाव का इलाज नहीं होता। फिर उसके बाद मैंने सूक्ति ग्रंथ से लिया है सूक्ति ग्रंथ का 3 उसका 32-34। प्रभु दुष्टों से घृणा करता और सदाचारियों को अपना मित्र बना लेता है। दुष्ट के घर पर प्रभु का अभिशाप पड़ता है, किंतु वह धर्मी के घर को आशीर्वाद देता है। प्रभु घमंडियों को नीचा दिखाता और दीनों को अपना कृपा पात्र बना लेता है। इसके बाद मैंने भाई बहनों मत्ती रचित सुसमाचार से लिया है उसका अध्याय 9 और पंक्ति क्रमांक 12-13। ईसा ने कहा, निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है, जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। इसके बाद मैंने भाइयों बहनों आज के लिए इतना वचन। इसके मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत